यहाँ की टॉप है बदनाम कुल्फी। अरे चिंटू त्यागी, पिताजी क्या कर रहे हो? बदनाम हो रहे पिताजी। बदनाम हो रहे हो? वेदिका के लिए भी थोड़ी सी कुल्फी ले जाओ, कह देना कि हमने भेजी है। ले जाएंगे पिताजी। सर कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी लगी, मतलब मजा आया मूवी। अच्छा कैसी कॉमेडी, कैसी मूवी? मैं तो जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कार्तिक आर्यन का काम कैसा लगा? अच्छा लगा है। अच्छा लगा, पहले से ज्यादा बेटर है। भूमि पेडनेकर है और अनन्या पांडे है, कैसा लगा? हाँ सबका बढ़िया था। अनन्या खूबसूरत लगी, बिल्कुल धमाकेदार। कैसा मूवी? अच्छा है यार, फिर भी मोटिवेशन के मतलब जो शादीशुदा लोग हैं उनके हिसाब से बढ़िया है। बिल्कुल क्यों नहीं। कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5 इस फिल्म को? 4 स्टार। कैसी लगी मूवी? मस्त मूवी है, मजा आया मूवी। बहुत ज्यादा। कार्तिक आर्यन का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा। और उसके अलावा भूमि पेडनेकर है, अनन्या पांडे, अच्छा लगा मुझे। सभी का काम अच्छा लगा आपको? इसके अलावा डायरेक्शन कैसा है? ठीक ही था। मजा आता, मतलब इंटरवल के पहले अच्छी है या बाद में? इंटरवल के पहले। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे आप? 4। बहुत प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी मूवी। मतलब कार्तिक आर्यन की जो पिछली फिल्म थी लोका छुपी वो देखी? उससे बहुत अच्छी है, उससे बेटर है। अच्छा अनन्या पांडे कैसे? उसका तो रोल ही अलग है। और भूमि पेडनेकर? हाँ ठीक है, बाकी अनन्या पांडे का और कार्तिक आर्यन का ज्यादा अच्छा रोल लगा। एंटरटेनर है, मतलब है एंटरटेनमेंट है इसमें। हाँ वन टाइम मूवी है, अच्छी। डायरेक्शन कैसा है मूवी? डायरेक्शन बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। आखिरी में एंड जो है वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है ना। और क्या लगता है सर, मतलब बॉक्स ऑफिस पर चलेगी मूवी? आज के हिसाब से नहीं पता, बाकी अगर जैसी फिल्म की स्टोरी है और डायरेक्शन लाइन है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसके हिसाब से चलना चाहिए। ओवरऑल कितने स्टार देंगे आप इस फिल्म को आउट ऑफ 5? 4। और डायरेक्शन के बारे में कुछ कहेंगे? कोई कहीं बोरिंग तो नहीं है? नहीं बोरिंग, बीच पार्ट को थोड़ा बहुत लगता है सॉन्ग के आसपास, बाकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। वेलकम। कैसा लगी ब्रदर? एक नंबर है। अच्छी लगी? अच्छा कार्तिक आर्यन ही हो रहे हो यार आप तो। कैसा मतलब किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा मूवी में? कार्तिक आर्यन। कार्तिक के अलावा और भूमि पेडनेकर है, अपार शक्ति खुराना है, अनन्या पांडे। अनन्या पांडे खूबसूरत लगी, मतलब है ना। और डायरेक्शन कैसा मूवी का? बहुत शानदार, शानदार है डायरेक्शन, मतलब मजा आया पूरी। हाँ, पत्नी को छोड़ के नहीं आना ये सिखाया बस। अच्छा ये हाँ, सीखने को मिला है क्या? हाँ, चलो अच्छा। इसके अलावा मतलब क्या लगता है, मतलब इंटरवल के पहले अच्छी लगती है, इंटरवल के बाद अच्छी लगती है? दोनों में, दोनों में अच्छी लगती है, है ना। और कुछ डायलॉग याद हो कार्तिक आर्यन का, चिंटू त्यागी का? कुछ कुछ नहीं। अच्छा आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे इस फिल्म को? 5। हाँ 5 दे देंगे। पूरे 5? हाँ पूरे। बॉक्स ऑफिस मतलब धमाल मचाएगी, मचा सकती है। थैंक यू भैया। कैसी लगी सर आपको मूवी? तो बढ़िया थी, मूवी बढ़िया थी। कार्तिक आर्यन का काम कैसा लगा? कार्तिक आर्यन और भूमि बढ़िया थे। बाकी आप तो यार बिल्कुल कार्तिक आर्यन ही लग रहे हो, देखो सच बता रहा हूँ। मजा आया मतलब? हाँ मजा तो आया, बढ़िया थी मूवी। काम तीनों में किसका अच्छा लगा? भूमि है, अनन्या है और कार्तिक। कार्तिक का ज्यादा पसंद आया, और कार्तिक के फ्रेंड है नाम तो अपार शक्ति, अपार शक्ति का बहुत बढ़िया लगा, उनका अच्छा काम लगा। और क्या मैसेज वगैरह मतलब इसमें देखने को मिला? इसमें मैसेज ये है कि जैसे पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, कुछ टाइम बाद फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उनमें ही देने उसी के ऊपर। सर आप कुछ कहेंगे? कार्तिक आर्यन की तो मूवी सारी अच्छी रहती है, और ये भी बेस्ट ही है मतलब। अच्छा इससे पहले लुका छुपी देख के आए थे? हाँ लुका छुपी। वो कैसी लगी? उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये मूवी अच्छी है उससे? लुका छुपी से तो अच्छी है, उससे अच्छी है लुका छुपी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की एक और सक्सेस है कार्तिक। कमाया तो कर ही लेगी, मैसेज भी देती है आखिरी में मूवी, मैसेज भी देती है। डायरेक्शन कैसा है मूवी का? कहीं बोरिंग तो नहीं लगती? नहीं कहीं भी बोरिंग नहीं लगती, बहुत बढ़िया डायरेक्शन। बाकी कॉमेडी पंचेस वगैरह? कॉमेडी पंचेस तो बहुत, पंचेस बहुत मजा आया। इंटरवल के पहले अच्छी बात? इंटरव्यू के पहले बढ़िया थी, उसके बाद थोड़ी सी ढीली हो जाती है, बाद में इमोशनल हो जाती है, इमोशनल फील आ जाती है। हाँ इसके अलावा और क्या है कॉमेडी? इमोशनल के अलावा मतलब कॉमेडी भी, और एक आखिरी में मैसेज देती है ना कि यार ये हमें पति पत्नी और साथ में रहना चाहिए, अगर गलती से हम कभी पति बहक जाए तो उसे वापस। और गानों के बारे में कुछ कहेंगे? गाने तो दो ही हैं, धीमे धीमे और एक और है कौन सा अच्छा है? हाँ दो ही गाने आते हैं, दोनों अच्छे हैं गाने। हाँ दोनों बढ़िया। ओवरऑल कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? 4 स्टार देंगे। आप कितने? 4 out of 5। थैंक यू। कैसी लगी आपको मूवी? सर बहुत अच्छी मूवी थी, मूवी अच्छी लगी। काम किसका सबसे ज्यादा अच्छा लगा सर आपको? भूमि है, अनन्या है और कार्तिक है तो? सर काम तो सबका बहुत अच्छा है। हाँ। और राकेश यादव जी की तो बात ही अलग है। अच्छा मतलब बराबर रोल मिला है सभी को? सबको बराबर, और सभी ने न्याय किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 5 में से 5 स्टार रेटिंग। 5 में से 5 स्टार देंगे, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी लगी? बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसमें जो राकेश यादव है वो तो फेमस हो गया सर, फेमस हो गए। बिल्कुल, जो राकेश यादव का डायलॉग है वो बकायदा बिल्कुल फेमस जाएगा जी। और
और चिंटू त्यागी का किरदार कैसा लगा आपको ये बताइए? चिंटू त्यागी मतलब सर वो जो जिस फेम की वजह से आज इतनी आपने देखा होगा भीड़ हो रही है, हाँ। बिल्कुल वो फेम को बरकरार रखा है कार्तिक। इसके अलावा भूमि की एक्टिंग में क्या दम लगा? सर भूमि की एक्टिंग भी बहुत अच्छे थे और सबसे अच्छी बात जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत उम्दा था, उम्दा रहा है, मतलब हर बार की तरह वो बिल्कुल इम्प्रेस करती नजर आई। इसके अलावा अनन्या पांडे की दूसरी मूवी थी, तो क्या लगा अनन्या पांडे के कैरेक्टर? सर उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और आगे जैसे जैसे वो मूवी करते जाएंगे और एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? जी सर। डायरेक्शन के बारे में कुछ कहेंगे आप? सर बहुत 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 फर्स्ट क्लास डायरेक्शन, फर्स्ट क्लास मतलब आप कहीं पे भी आप सिनेमा हॉल में देखेंगे सीटियां बज रही है, अच्छा कमेंट पास हो रहे हैं, मतलब फुल टू एंजॉयमेंट। कार्तिक आर्यन ने दिल जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे कहीं बोरिंग तो नहीं लगती मूवी? नहीं नहीं सर, 1% भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जाके होते। और इंटरवल के पहले अच्छी बात, दोनों टाइम अच्छे, राकेश यादव दोनों टाइम हंसाते हैं सर। अच्छा कॉमेडी के अलावा और क्या है इसमें? इमोशनल है, एक्शन है और क्या क्या चीज़ है? सर वो तो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे मतलब एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं कि शादी के बाद जो गैप आ जाता है हस्बैंड वाइफ में उसको रिलेटेड आखिरी में एक छोटा सा मैसेज दिया उन्होंने। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर मतलब सक्सेस हो पाएगी है? सर अगर ऐसी मूवी सक्सेस नहीं हुई तो फिर क्या है सर, इतनी अच्छी मूवियाँ सक्सेस होनी चाहिए सर। बंदा बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आजकल जो कॉमेडी चल रही है उससे अलग कॉमेडी थी और बहुत अच्छा था सर, और अच्छा हेल्दी मूवी थी। अच्छा आपने जो 1978 की आई थी पति पत्नी और वो देखी थी? नहीं नहीं सर वो नहीं देखी, उसकी रिमेक है एक्चुअली। तो क्या लगता है सर आप कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? इसमें 5/5 पूरे स्टार देना चाहूंगा। चलिए थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू। मैम कैसी लगी मूवी? बढ़िया है। किस तरह का काम लगा मैम एक्टर का? बहुत अच्छा लगा सर। कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया।